किसी में कोई कमी नहीं होती, बस हिम्मत की जरूरत होती है। कभी हिम्मत मत हारो, कभी भी हिम्मत मत हारो। खुद पे विश्वास करो और जो सोचा है कर दिखाओ। दोस्तों, ये हिम्मत से भरी लाइन कही गई है गोल्डन गर्ल शीतल देवी जी के द्वारा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ क्रांति राजपूत और आज हम बात करेंगे द इंस्पिरेशन, द मोटिवेशन, द ग्लोरी ऑफ द नेशन, शीतल देवी, द गोल्डन गर्ल। दोस्तों, आज है 10th of January और सच में आज बहुत खास दिन है। मैं हमेशा कहती हूँ, पर सच में आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज है जन्मदिन शीतल देवी का। पहले तो मैं विश करना चाहूँगी, बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी शीतल देवी को उनके जन्मदिन पर। शीतल देवी, आप इंस्पिरेशन है, आप मोटिवेशन है, आप हमारे देश की शान है और आप पहाड़न है। वाओ। शीतल देवी का जन्म जम्मू कश्मीर के एक छोटे से कस्बे किश्तवाड़ में हुआ, माउंटेन्स में, पहाड़ों में, जहाँ पे लाइफ बहुत टफ होती है और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। पर शीतल देवी ने कर दिखाया सारे देश को, सारी दुनिया को। शीतल देवी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की। शीतल देवी का जन्म एक ऐसे रेयर मेडिकल कंडीशन में हुआ जहाँ पे उनके बाजुएं नहीं थी, पर हिम्मत बहुत थी। जैसे वो बड़े हुए, उन्हें कभी भी अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझा और उसी कंडीशन के साथ उन्होंने सब काम किए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से लेकर घर का हर एक काम। दोस्तों, इसी हिम्मत को देखते हुए एक इवेंट में किश्तवाड़ में राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मी ने उन्हें इस जज्बे में देखा और उन्होंने फैसला किया कि शीतल देवी को स्पेशल कोचिंग देके आर्चरी सिखाई जाए। शीतल देवी अपने पाँव से सारे काम करते थे और जो एक चीज देख के लोग हैरान हो गए, स्पेशली इंडियन आर्मी, कि वो अपने पाँव से ही पेड़ों पे भी चढ़ जाते थे जहाँ पे एक आम इंसान के लिए चढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने ये डिटर्मिनेशन देखते हुए उनको स्पेशल कोचिंग दी, थैंक्स टू देम कि उन्होंने उन पर बिलीव किया और आज पूरे देश के लिए शीतल देवी ग्लोरी बन गई। 2023 में चाइना में हुए एशियन पैरा गेम्स में शीतल देवी ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया और वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में शीतल देवी ने 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम फिर से रोशन किया और इसी के साथ वो बन गए वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल आर्चर। रिसेंटली शीतल देवी को अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू द्वारा और ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और स्पेशली किश्तवाड़ के लिए कि इतने छोटे से कस्बे की लड़की ने पूरी दुनिया में अपना जज्बा दिखा दिया। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बहाने करते हैं, पर शीतल देवी को देख के हमें सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में बहाने काम नहीं आते। जो मोटिवेशन होती है, जो ज़िंदगी में जज्बा होता है, कभी अपने आप को किसी से भी कम ना समझने का वही काम आता है। जाते जाते एक बार फिर से शीतल देवी गोल्डन गर्ल को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह आप देश के लिए बहुत सारे मेडल लाएं और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, शुक्रिया। और जाते जाते ये कहूँगी कि अगर आपको ये इंस्पिरेशन स्टोरी ऑफ शीतल देवी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।